हेलो यू बिजी मॉमीज एंड डैडीज, कैसे हैं आप? हम जितना समय अपने बच्चों के लिए निकालते हैं, उतना ही हमारे बच्चे इमोशनली एंड मेंटली स्ट्रांग होते जाते हैं। एक रिसर्च के अनुसार जो बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ क्वालिटी टाइम बिताते हैं, वो बड़े होकर बुरी आदतें जैसे ड्रग अल्कोहल इससे दूर रह पाते हैं। तो समय बिताकर आप सिर्फ अच्छी मेमोरीज ही क्रिएट नहीं कर रहे, एक स्ट्रांग फाउंडेशन भी बिल्ड कर रहे। इलेक्ट्रॉनिक चार्ट की, अब ये जो एजुकेशनल चार्ट है, ये आपको अलग अलग तरह के मिलेंगे। मेरे पास यहाँ पे दो चार्ट है, एक तो ए टू जेड लेटर वाला चार्ट है जिसमें ABCD के हिसाब से बहुत सारे पिक्चर्स डाले हुए हैं। तो कई बार ये जो प्ले होता है, ये बैटरी के बेसिस पे प्ले होता है, इसमें सेंसर्स लगे हुए हैं। तो जो भी बटन आप प्रेस करते हैं उसमें या तो वो लेटर्स बताएगा या फिर वर्ड्स बताता है। एंड कई बार सबसे फेवरेट किशा का म्यूजिक है, इसमें म्यूजिक भी प्ले होता है। तो ऑल शी डज इज शी प्रेसेस द बटन एंड शी इज एंग्रॉस्ड इन दिस चार्ट फॉर नियरली हाफ एन आवर टू वन आवर ऑल्सो मेनी टाइम्स। तो आप ये एक चार्ट ले सकते हो जिससे आप अपना काम साइड बाय साइड करते रहिए और बच्चा जो है वो एक्टिविटी में बिजी रहेगा। तो मेरा नंबर वन एक्टिविटी चार्ट जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक चार्ट। आपको अलग अलग वेरिएशंस मिलेंगे, इसमें फ्रूट्स का भी आता है चार्ट, इसमें वेजिटेबल्स का भी आता है। ए टू जेड यानी जो ये रेड चार्ट है, इसमें ऑल इन वन चार्ट है, तो आप ये ले सकते हो। नंबर टू में है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉय, फोम मैट्रेस। जी हाँ, आप सोचोगे कि फोम मैट्रेस कैसे टॉय बन सकता है, मगर ये मेरी किशा का फेवरेट टॉय है। अब ये मैंने सेफ्टी पर्पस के लिए लिया था, क्योंकि जब किशा छोटी थी तो बहुत रोल होती थी बेड पर, तो मैं हमेशा उसके क्रिप के नीचे या बेड के नीचे हमेशा इस फोम मैट्रेस को रखती थी। मगर धीरे धीरे ये उसका एक्टिविटी टॉय बनता गया, क्योंकि नाउ शी लव्स टू प्ले ऑन इट। आप बस मैं उसे बेड के ऊपर लगा देती हूँ और किशा का वो डांस फ्लोर बन जाता है। वे शी लाइक्स टू जम्प ऑन इट, शी लाइक्स टू क्रॉल ऑन इट, एंड कई बार उसका हम टेंट बनाकर भी खेलते हैं कुछ इस तरह। तीसरा एक्टिविटी है मैग्नेटिक टॉयज। अब मैग्नेटिक टॉयज में बहुत सारे वेरिएशन आते हैं। आप मैग्नेटिक फ्रूट्स को ले सकते हो, वेजिटेबल्स को ले सकते हो, जहां पे आप एक एक्टिविटी शीट बना लीजिए यानी बोर्ड बना लीजिए, बोर्ड को मैग्नेटिक बोर्ड पे आप उस लेटर्स को लगा सकते हो या फिर फ्रूट्स को लगा सकते हो, या फिर आप एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी खेल सकते हो अपने बच्चे के साथ, जहां पे आप आराम से लेटे लेटे उसे सिर्फ इंस्ट्रक्ट करें और बच्चा अपने आप खेलता रहेगा। बस दो बोल ले लीजिए, कलरफुल बोल ले लीजिए या बास्केट ले लीजिए, और उस बास्केट में इतने जो मैग्नेटिक लेटर्स है उसे डाल दीजिए। अगर आपके पास मैग्नेटिक लेटर्स नहीं है तो कुछ और एक्टिविटी टॉयज भी आप ले सकते हो। मैं कई बार इसे पजल्स को भी डाल देती हूँ या कई बार जो मैग्नेटिक लेटर्स है उसे डाल देती हूँ। नंबर फोर पे है पजल्स। पजल्स बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं और बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग टॉयज है, क्योंकि इसको आप अलग अलग तरीके से खेल सकते हो। अब पजल से क्या होता है, उनके ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप होते हैं और आप अपने बच्चों की वोकैबुलरी भी बढ़ा रहे हो, उनका लर्निंग में बहुत ज्यादा बूस्ट होता है। सो इट बूस्ट देयर मेमोरी ऑल्सो। देखिए, याद रखिए कि 1 से 3 साल का जो समय है उसमें अब बच्चे की ब्रेन की जो कैपेसिटी है वो बहुत स्ट्रांग होती है, एंड इट इज द एब्जॉर्बिंग स्टेज। तो जो कोई टॉयज आप इंट्रोड्यूस करोगे वो फन तो होना ही चाहिए, मगर उससे कुछ सीखना भी चाहिए बच्चों ने। तो ऐसे पजल्स को आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो जहां पे उन पजल्स को वो धीरे धीरे करके पिकअप करते हैं, उनके पिंसर क्लॉज जो है वो बहुत ज्यादा डेवलप होने लगते हैं। तो आप उन्हें अलग अलग तरह के टॉयज दे सकते हो पजल्स में, एनिमल्स है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, या नंबर्स है, बॉडी पार्ट्स है, ऐसे अलग अलग वेरिएशन आते हैं पजल्स के जो आप उसे इंट्रोड्यूस करा सकते हो। अगेन, पजल्स को आप बोल में डालकर स्पून दे दीजिए, उसमें भी वो इंग्रॉस्ड रहेंगे। सो एक्टिविटी नंबर 4 इज पजल्स। राइनो किधर जाएगा? एक्टिविटी नंबर 5 इज स्टैकिंग कप्स। स्टैकिंग कप्स बहुत ही आसानी से आपको कहीं पे भी मिल सकता है, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैंने लिंक रखा हुआ है। स्टैकिंग कप्स को ट्रेडिशनली भी आप खेल सकते हो, जिसमें बच्चों को बिग एंड स्मॉल का जो अंदाजा है वो आने लगता है।
साथ ही साथ स्टैकिंग कप्स एक ऐसा टॉय है जो लंबे समय तक अलग अलग वेरिएशन के थ्रू आप खेल सकते हो। इसमें उनका हैंड कंट्रोल या ग्रॉस मोटर स्किल्स जो है वो डेवलप होते हैं। तो इसमें आप कुछ ऑब्जेक्ट्स डाल सकते हो जिससे वो ऑब्जेक्ट्स को एक कटोरे से दूसरे कटोरे में डालते जाएंगे, उसमें भी बहुत मजा आता है। आप देखोगे कि एक साल के बाद बच्चे जो है उन्हें चीजों को अंदर डालना, बाहर निकालना, ये इसमें बहुत मजा आता है। इसलिए आप देखोगे दे एंड अप थ्रोइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स हियर एंड देयर। तो ये आप उसे इस्तेमाल कर सकते हो। स्टैकिंग कप्स को अलग अलग रोल प्लेज में आप यूज कर सकते हो, जैसे पानी कैसे पीना है, या पानी को डालकर भी आप उसे खेल सकते हो, जहां बालकनी में आप बच्चे को बिठा दीजिए और पानी डाल दीजिए एंड यू नो दे विल प्ले फ्रॉम एक कप से दूसरे कप में डालना, दूसरे कप से तीसरे कप में डालना, ये चलता रहेगा एंड दे गेट एंग्रॉज फॉर आवर्स एंड आवर्स। तो ये भी एक अच्छा तरीका है एक्टिविटी में इन्वॉल्व करने का। इधर लाओ डब्बा, इधर दो, सामने रखो डब्बा। हाँ, अभी डालो उसके अंदर सर। एक्टिविटी नंबर 6 है स्टैकिंग रिंग्स। अब स्टैकिंग रिंग्स का एक फायदा ये है कि ये बहुत ज्यादा स्पेस अक्वायर नहीं करता, तो आप बच्चे को दे सकते हैं। इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स है, यानी बच्चों को ज्योमेट्रिक शेप्स जो है वो समझ आने लगते हैं। मेरे पास तो ज्योमेट्रिक शेप्स के इस रूप में सिर्फ सर्कल वाले स्टैकिंग रिंग्स है, मगर बाजार में अलग अलग शेप्स के भी स्टैकिंग रिंग्स आते हैं, तो आप वो देख सकते हो। अब इसमें फाइन मोटर स्किल्स, आई कोऑर्डिनेशन, हैंड कोऑर्डिनेशन, साथ ही साथ आपके बच्चे का कॉन्सेंट्रेशन इम्प्रूव करता है। तो ये एक बहुत ही क्रिएटिव और इमेजिनेटिव टूल है जिनके थ्रू आप अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरह से एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर सकते हो। तो ये थे टॉप 6 एक्टिविटीज जो आप अपने टॉडलर के साथ आराम से बैठे बैठे कंफर्टेबली खेल सकते हैं। आपके सजेशन का इंतजार हमेशा रहता है, सो प्लीज कमेंट ऑन आवर चैनल, प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। Till then, stay blessed and stay empowered. And yes, happy parenting!